वेलकम टू जेनेसिस फैमिली। ठीक है, अब हमें क्या स्टार्ट करना है सबसे पहले? ठीक है, आज तुम्हारा पहला दिन है तो टेंशन ना लो, हम बिल्कुल आराम से चलेंगे और बस बारीक बारीक कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तुमने क्या नाइन्थ में सीख रखा है, लेकिन वहां पर क्या होता है, नाइन्थ से तुम अब आए हो, नाइन्थ टेंथ क्लोज कर गया, तुम इलेवंथ में आए हो। ठीक है, वहां पर क्या होता है, तुम्हारा ट्रांजिशन होता है, ये एक थोड़ा सा बड़ा ट्रांजिशन होता है। क्यों? क्योंकि नाइन्थ टेंथ तक क्या होता है, नाइन्थ टेंथ में हम क्या करते हैं, हम जो हमें पढ़ाया होता है उसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उससे हल्का सा डिफरेंस आ जाता है बस क्वेश्चन में कभी कभी। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता नाइन टेंथ में जो क्वेश्चन आते हैं और जो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेवन ट्वेल्थ में स्पेशली अगर तुम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, मतलब तुम क्या नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, अब तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके हर एक चीज के पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर टीचर नहीं बता रहा है तो उससे धक्के से निकलवाओ, मतलब इतना उनको अंदर से दिखाओ कि हम और जानना चाहते हैं। ठीक है, टीचर इसलिए ज्यादा नहीं बताता कई बार कि उन्हें लगता है ये चीज कंफ्यूजिंग है। ठीक है, सब नहीं समझ पाएंगे, किसी को लगता है मुझे सारा समझ आ गया है और जानना चाहता हूँ, तो टीचर को पकड़ो और उसे कहो कि सर मुझे थोड़ा सा और बता दो, मुझे बहुत ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा काम होना चाहिए। ठीक है, कई बार होता है वो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन देखो जितनी तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, नॉलेज बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं तो यूज आएगी, कभी नॉलेज वेस्ट नहीं होती। ठीक है, अब देखो, अब तुम नाइन्थ टेंथ से क्या इलेवंथ में आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन क्या आता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या होते थे, नोट्स पर बिल्कुल फोकस होते थे और थोड़े बहुत हमने क्वेश्चंस कहीं से कर लिए। ठीक है, अब तुम्हारा क्या होगा, नोट्स करने के साथ साथ सारी डीपीपीज, ठीक है, जो तुम्हें बुकलेट्स मिलेगी वो सबको तुम्हें साथ साथ करते हुए चल रहे। ठीक है, साथ साथ करते हुए चलोगे तो तुम्हें ऐसे कई बार क्वेश्चन मिलेंगे जो तुम्हें लगेगा सर ने ये क्लास में तो कराया ही नहीं। वो रीजन ही यही होता है कि हम जान के वो क्लास में नहीं करवाते। ठीक है, ताकि तुम जब खुद करोगे अपना दिमाग लगाओगे, ये नहीं है कि हम तुम्हारे दुश्मन है, हम जानकर वो थोड़ा सा डिफरेंट सोचने के लिए, मतलब ताकि तुम्हारा क्या हो, माइंड ग्रो करे, उसलिए हम वो क्वेश्चंस देते हैं ताकि तुम सोचने की कोशिश करो। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी इलेवंथ में, स्टार्टिंग में कभी डिमोटिवेट नहीं होना अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जब हम तुम्हें जैसे टेस्ट होंगे, कई तुम्हारे इजी टेस्ट होंगे, कई हम जान की क्या देंगे, एक डिफिकल्ट टेस्ट देंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे नहीं हुआ, वो किसी से भी नहीं होगा, लेकिन उसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा कि हम सोचना स्टार्ट करेंगे। जब सोचना स्टार्ट करेंगे फिर धीरे धीरे हमारा क्या माइंड ग्रो करेगा। ठीक है, तो माइंड ग्रो करने के लिए ही थोड़े बीच में डिफिकल्ट डिफिकल्ट टेस्ट भी आएंगे, उससे डिमोटिवेट नहीं होना, वो सबके साथ सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि अभी तुम्हारा माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता, ग्रो नहीं हुआ होता, क्योंकि नाइन टेंथ में हमें इतनी आदत नहीं होती कि हम आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचे। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए हमें क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब एक होता है ना, अगर हम एक चीज पे फोकस करते रहेंगे, ठीक है, कोई भी चीज हो जैसे लोहा भी हो, उसको अगर हमें तोड़ना है एक ही चीज पर मारते रहते हैं, ठीक है, वो वहीं से फिर टूटता है। तो वैसे ही हमें अपने ब्रेन को स्ट्रोंग करना है, या एक तरह से बोल लो शार्प करना है। शार्प कैसे होगा कि हम प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है, और मुश्किल क्वेश्चन आएगा हार नहीं माननी। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश करनी है। सोचो, नहीं आता टीचर से हिंट लो, टीचरों को सर हमें पूरा मत बताना, हिंट दे दो ताकि हम दोबारा सोच सके। ठीक है, ये अपनी अप्रोच रखोगे तो तुम बहुत जल्दी सीखोगे और उसके बाद तुम्हारा क्या वो बहुत ही काम आएगा, यकीन मानो बहुत ज्यादा काम आएगा। जब तुम अच्छे कैंप फिर वहां पर कॉलेजेस में जाओगे, वहां पर तुम कम्पीट कर पाओगे। ठीक है, वहां पर बहुत फर्क होता है जब तुम यहाँ पर बैठे हो ना, और अगर तुम अच्छे कॉलेज में गए हो, वहां पर इतना बढ़िया एनवायरमेंट मिलता है, यकीन मानो मैं तो वहां से आया हूँ। ठीक है, तो तुम्हें बता सकता हूँ कि वहां पर जब तुम जाओगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम एक तरह से अलग ही वर्ल्ड में आ गए, मतलब कि इतने तरीके अलग अलग तरह के लोग होते हैं और वो इतनी अपने साथ नॉलेज लेके आए होते हैं, फिर तुम्हें भी अपना नॉलेज शेयर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सुनो, अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करना है, नोट्स भी कैसे बनाने हैं। देखो, नाइन टेंथ में क्या होता था, नोट्स बिल्कुल कई तो लिखे लिखाए दे देते थे, बोर्ड पे लिखवाते थे। अब तुम्हें क्या करना है, देखो मैं बोर्ड पर जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें सीबीएसई भी एग्जाम देना है, वो क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, तो जो भी एग्जाम होगा उसके हिसाब से हम लिखवाएंगे लिखवाएंगे। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हें अपने नोटबुक में नोट कर लेना साइड में। ठीक है, पक्का नोट करना है, क्योंकि हर एक चीज को बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता, अब तुम थोड़े से बड़े हो गए हो। ठीक है, बोर्ड पर जो लिखवा रहे हैं वो तो लिखना ही है, और जो हम बोल रहे हैं वो भी तुम्हें क्या, अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि दो साल तक हमें कभी याद नहीं रहता, तुम्हें भी पता, तुम टेंथ तक तो पढ़ चुकी, मैं तुमसे आज पढ़ाऊंगा कल पूछो भूल जाओगे, सबसे बेस्ट क्या है, उसको नोटबुक में नोट डाउन करो। ठीक है, नोटबुक में नोट डाउन कर लिया अगर, फिर उसके बाद क्या, उसको
या तो नोटबुक पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा थ्री ऐसे हुआ था, ठीक है। तो ऐसे कोशिश करो कि अपने अंदर ट्रांजिशन लाओ। ट्रांजिशन कैसा लाना है कि हमें क्या नोट्स जब बनाने हैं बोर्ड वाला सब लिखना है लिखना है, मतलब अटेंटिव रहना, मतलब हमारा हाथ भी चलना चाहिए और दिमाग भी, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सर पहले समझ लेंगे, मतलब कोशिश करनी है, ये नहीं कह रहा कि धक्का है सबको, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हें क्या जैसे जैसे सर टीचर बोल रहा है, ठीक है, कोई भी टीचर हो, ठीक है, उनको साथ साथ नोट भी करो, कोशिश करो, ठीक है, नोट भी करो साथ साथ और समझो भी, ठीक है, मतलब दोनों सेंसेस को इकट्ठे चलाना है, ठीक है। तो देखो आज हमें केमिस्ट्री का पहला टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसका दूसरा नाम मोल कॉन्सेप्ट भी होता है, क्यों होता है और तुम्हें भी आगे समझ आ जाएगा क्यों होता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट उसका एक दूसरा नाम होता है, चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, किसी के माइंड में कोई डाउट हो तो एक बार पहले पूछ लो, ठीक है, कुछ पूछना हो सर, कुछ भी पूछना हो फटाफट बताओ, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि आज पहली क्लास है, हमें इतना नहीं, अभी बस हमें सीखना है कि कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है, बोल दो। बोलो बोलो कहाँ गए सब, ऑडिबल हूं ना मैं, एक बार बता दो फिर मैं स्टार्ट कर दूं, एम आई ऑडिबल टू यू, बता दो एक बार, बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को ऐसे बना देंगे कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या आती है, हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब कि तुम्हें आनंद आ जाएगा उस चैप्टर को पढ़ते हुए, ठीक है। तो देखो हमें क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अभी हम ट्रांजिशन हुआ है 10th से 11th में, तो हम पहले बेसिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है, हमें अगर कुछ भी पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री में तुम पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, हम सबसे ज्यादा किसके बारे में बात करते हैं, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम घुमा फिरा के कहां पर आ जाते हैं, एटम पर, सीधी सी बात है, ठीक है, याद करो हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम एटम की बात ही करते हैं, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, फलाना एटम, ढिलकाना एटम, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हम एटम की बात करते हैं, ठीक है। हमें जब केमिस्ट्री के बारे में सीखना है, ठीक है, सबसे पहले क्या हमें उसकी मेजरमेंट सीखनी है, ठीक है। मेजरमेंट्स मतलब क्या हो गया, क्योंकि अगर हमें कोई भी रिएक्शन करनी है हमें उसकी मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें एक चीज को दूसरी चीज से रिएक्ट करवाना है तो क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए तीसरी चीज कितनी बनी है, वो कैसे पता चलेगा, जब हमने ए और बी कितना लिया वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। हमें इस चीज पर क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली टर्म अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी क्या आनी चाहिए, एटम के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम सारे एटम्स, मतलब कि पूरा उनका संसार है, जो उनकी पूरी फैमिली है, उनके बारे में सारा पढ़ते हैं, वो आगे आएगा। लेकिन सबसे पहली बात क्या आती है, हमें क्या, अगर मैं ए और बी मिला रहा हूँ मुझे उनके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ना मैंने कितना लिया है, ठीक है, ताकि वो जब रिएक्ट करेंगे मुझे पता तो चले मुझे कितना प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में सारी एक तरह से मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात क्या आती है, मैं तुमसे अगर पूछूं सबसे पहली टर्म क्या आती है कि एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं पूछूं एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, एक बार मुझे बता दो एटॉमिक मास क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है एटॉमिक मास क्या है, फटाफट बोलो एटॉमिक मास क्या होता है, सीधी सी भाषा में बोल दो, कुछ वो नहीं है, हम बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा समझ में आती है, मतलब हमें, ठीक है, बता दो एटॉमिक मास क्या होता है फटाफट, जो तुम्हें लगता है, कुछ यहां कोई जज करने वाला नहीं है तुम्हें, सब एक जैसे हैं। मास ऑफ एटम बोल रहे एक बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बोल सकते हैं, कुछ वो नहीं है, यहां कोई जज नहीं करेगा तुम्हें, टेंशन ना लो, जो भी तुम्हें लगता है बता दो एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक बच्चे ने बोला कि मास ऑफ एन एटम, ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधा सा आंसर, मतलब जिसको नहीं भी पता इसके बारे में
ठीक है, वो इसके इंग्लिश के वर्ड से निकाल लेगा एटम का मास, ठीक है, या बोल सकते हैं मास ऑफ एन एटम, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं मास ऑफ एन एटम बोल सकते हैं, ठीक है, या दूसरी भाषा में हम इसको और क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ जितने प्रोटॉन है उसके अंदर, ठीक है, प्लस मास ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस मास ऑफ जितने न्यूट्रॉन है, क्योंकि एटम के अंदर यही चीजें होती है, तुमने नाइन्थ में थोड़ा सा पढ़ रखा है, इतना तो पता ही ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कुछ होता है, ठीक है, इतना सफिशियंट है हमारे लिए, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बस तुम्हें उसका नाम पता होना चाहिए, आगे काम करवाना मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है, तो मुझे क्या मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा तो मेरा मास ऑफ क्या आ जाएगा, एटम आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, बात क्या आती है, बात ये आती है कि मास ऑफ एन एटम जो होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब कि बहुत कम, हम उसको मेजर कर ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कितना कम होता है, ठीक है, इतना कम होता है, और उस टाइम पर मतलब उस जमाने में, ठीक है, उस जमाने में क्या होता था, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम क्या कर सके कि भाई एक हमने वेइंग स्केल लिया और हमने उसको मेजर कर लिया उसके ऊपर कितना मास आ रहा है और एक एटम कहां ढूंढने के दिखता भी नहीं है, ठीक है, मतलब उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या होता था, तब तो हमें इवन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं एटम में वो भी नहीं पता था, बात समझो, हमें बस इतना पता था, याद करो डाल्टन थ्योरी ने क्या बोला था, सबसे छोटा एटम ही होता है, ठीक है, इतना उसने बोल दिया था, सबसे छोटा एटम है, उसको हम और छोटा नहीं कर सकते, मतलब वो सब डिवाइड और नहीं हो सकता, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि एटम के अंदर तो प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, ये तो हमें बाद में पता चला, मतलब क्या, तो स्टार्टिंग की होगी, मतलब स्टार्टिंग में जो बात की होगी एटम की, उस टाइम पर हमें इनके बारे में तो पता ही नहीं था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, उस टाइम पर, और ना हमारे पास ये था कि हम भाई कोई एक वेइंग स्केल हो जिसके अंदर हम उसका वेट कर ले और निकाल ले, मतलब उसका इतने छोटे पार्टिकल है, मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी ये लगा लो कि बहुत मुश्किल है उनको देखना, वो भी स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, ठीक है, तो क्या हो गया, एटम को देखने के लिए एटम का हम वेट कर नहीं सकते थे उस टाइम पर, हमारे पास कुछ ऐसा मशीन नहीं थी, ठीक है, और दूसरा क्या, ना हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता था, और उनका वेट तो और कम होगा क्योंकि वो तो एटम से भी छोटा हो गया, ठीक है, तो होता क्या है उस टाइम पर, क्या हुआ उस टाइम पर, हमने क्या एक रिलेटिव स्केल लिया, रिलेटिव स्केल कैसा था देखो, बहुत इंटरेस्टिंग स्केल था, ठीक है, तुमने पढ़ भी रखा उसके बारे में लेकिन कभी तुमने इस नजरिए से नहीं सोचा, ठीक है, हुआ क्या उस टाइम पर, देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 kg क्या होता है, ये मेरा क्वेश्चन है तुमसे, 1 kg एक बार बताना 1 kg क्या होता है, बोलो बोलो फटाफट बोलो, बच्चे बोलेंगे सर 1 kg क्या, 1 kg क्या पूछ रहे हो आप हमसे, 1 kg होते हैं, हमें क्या पता 1 kg, तो हमें बचपन से पता 1 kg है, डेफिनेशन क्या होती है एक बार बताना, क्या होते हैं 1 kg की डेफिनेशन, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे, पढ़ेंगे टेंशन ना लो, 1 kg होता क्या है, 1 meter क्या होता है ये बता दो, 1 meter क्या होता है भाई बता दो, तुम तो बचपन से खेलते मतलब यूज करते हो आ रहे हो, इसमें तो कोई केमिस्ट्री भी नहीं है, ये तुम बचपन से बोलते हो कि 1 kg दाल ले आता हूँ, 1 kg फ्रूट ले आता हूँ, हाँ मेजरमेंट ऑफ मास है मान लिया, वो तो केजी हो गया ना, 1 kg क्या है, मतलब 1 kg को मैं डिफाइन कैसे करूंगा, 1 kg क्या है, बोलो बोलो फटाफट बोलो, क्या है सोच के देखो ना, अपना दिमाग बढ़ाओ, 1 kg हमने, तुमने कभी सोचा कि 1 kg क्या है भाई, हम उसको 1 kg क्यों बोल रहे हैं, इसको 2 kg क्यों नहीं बोल रहे, सुनो सुनो आओ देखो, अपने दिमाग के बिल्कुल अब पर्दे खुल जाएंगे हमारे, देखो 1 kg क्या है, 1 kg एक समझो, एक क्या है, हमारे पास एक रोड पड़ी है, ठीक है, एक मतलब लगा लो हम देखते हैं म्यूजियम में एक चीज पड़ी है, एंटीक से पीस पड़ी है, ठीक है, एक फॉरन में पता नहीं कौन सी कंट्री में, कंट्री छोड़ो वहां पर एक हमारा अलोय है, ठीक है, अलोय मतलब तुम्हें पता है एक तरह से क्या होता है, जो मिक्सचर होता है, ठीक है, अलोय छोड़ो मतलब वो अलोय किसका है, प्लैटिनम और इरिडियम, तुम्हें उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको भी छोड़ो बाहर में जाए, हमें नाम से मतलब नहीं है, एक अलोय है, अलोय भी नहीं पता और सिंप्लीफाई कर दो क्योंकि हमें उससे समझना है बस, हमें यूज नहीं करना, ठीक है, वो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, एक हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सा एक सिलेंडर है, ठीक है, एक डब्बा सा पड़ा है हमारे पास जिसका जो बना किसका हुआ है, प्लैटिनम और इरिडियम के अलोय का बना हुआ है, ठीक है, बस इतना समझ लो, किसी चीज का बना हुआ है वो, हमने क्या बोल दिया भाई, अब मैं इसको 1 kg मानूंगा, ठीक है, मैंने इसका नाम घोषित कर दिया 1 kg, ठीक है, अब मैंने इसका नाम कर दिया 1 kg घोषित कर दिया कि अब मेरा ये 1 kg है, तो क्या होगा, मुझे अगर कुछ भी मेजर करना है तो वो क्या होगा, इसके रिलेटिव में होगा, मतलब क्या हो गया, अगर मैं 5 kg
मापने जा रहा हूँ, ठीक है, 5 kg लेने जा रहा हूँ कुछ सामान, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं कि मैं 5 ये वाले बॉक्स रखूंगा, ठीक है, और यहाँ पर 5 kg मेजर कर लूंगा, वही बात होगी। बैलेंस क्या होता है, यहाँ पर एक हमारा कांटा क्या होता है, यहाँ पर मैंने क्या 5 ये वाले सिलेंडर रख दिए जो बने हुए, जिसको हमने एक को 1 kg बोल रखा है, तो अगर हमें 5 kg चाहिए तो मैं क्या 5 रख दूंगा इधर, और इधर मैं क्या एप्पल रख दूंगा, ठीक है। जब तक वो मेरे बैलेंस दोनों बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, जो हम वहां पर वेइंग मशीन यूज करते हैं जिसके ऊपर जो ऐसी सी दिखती है, ऐसी सी होती है, यहाँ पर रखेंगे हम 5 ये वाले अलॉय, और यहाँ पर मैं वेट करूंगा, जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे हम उसको क्या बोल देते हैं 5 kg। तो मतलब क्या हो गया, 1 kg हमारा क्या है, 1 kg कुछ भी नहीं है, एक तरह से हमने एक चीज को स्टैंडर्ड बोल दिया। स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया, ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैं इसको 1 kg बोलूंगा, तो पूरी दुनिया इसको 1 kg मान रही है, उसके बेसिस पर ही हम हर चीज को वेट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं 10 kg बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, उसका वेट इसके 10 के बराबर है। याद करो, कई बार हम कुछ खरीदने जाते हैं, ठीक है, मार्केट में गए कोई सब्जी वाले पे, सब्जी वाले को हम क्या कहते हैं, भाई आधा किलो धनिया कुछ भी मान लो, ठीक है, आधा किलो मुझे आलू दे दो, ठीक है। कई बार उस पे क्या होता है, पत्थर नहीं होता, याद करो वो जिसको वेट करता, पुराने मशीन की बात करो जिसके ऊपर वो पत्थर होते थे वो वेट करने के लिए, डिजिटल वाला नहीं, उसमें मान लो उसमें पत्थर नहीं है, वो क्या होता है, उसपे एक ईंट पड़ी है या वो एक ऐसा कुछ लेके बैठा हुआ है जिसको बोल रहा है सर ये तो मेरा 1 kg का ही पत्थर है। मतलब उसने क्या किया, कोई एक ऐसे उठा लेता है जो नाली नुली में कोई वहीं पत्थर पड़ा होता है उसको वहां रख देते हैं। हम कहते हैं सर 1 kg क्या कह रहे हैं, मैंने इसको मेजर कर रखा है, मतलब क्या हो गया कि उसका रिलेटिव वेट हमें क्या 1 kg हमने मान लिया, ठीक है। मान कैसे लिया, क्योंकि उसका वेट 1 kg एक्चुअल में जो होता है मतलब इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बोलूं 1 meter क्या होता है, 1 meter का मतलब क्या है, एक रोड पड़ी है एक बार, ठीक है, उसको हमने क्या 1 meter लेंथ बोल दिया, मतलब कि मेरी एक रोड है, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया 1 meter लेंथ है, तो मैं दुनिया में कुछ भी मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी, तो उसको हम क्या उसके रिलेटिव में मेजर कर रहे हैं। अगर उसकी लेंथ उसके इक्वल हो गई तो 1 meter बोल देते हैं, उसकी आधी हो गई तो 1/2 meter बोल देते हैं, उससे डबल हो गई तो 2 meter बोल देते हैं, 10 गुना हो गई तो 10 meter बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, हमारी जो पूरी सिस्टम चल रहा है ना मेजरमेंट का, वो सारा रिलेटिव चल रहा है, ठीक है, रिलेटिव चल रहा है। अब बात आ रही है, सर आपने इतना कुछ बता दिया, अब ये बताओ कि हमारा यहाँ क्या काम है, यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर हमारा ये काम है, सुनो बहुत बढ़िया काम है, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। देखो हमारा क्या होगा, हमने क्या किया, कार्बन 12 का एक एटम लिया, कार्बन तो पता ही है ना, ठीक है, कार्बन 12 होता है, ये 12 का मतलब क्या होता है, उसका एक आइसोटोप होता है, ठीक है, आइसोटोप वो तुम पढ़ोगे अभी, ठीक है, क्या होता है आइसोटोप, ठीक है, कार्बन 12 का एक एटम लिया, ठीक है, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, 12 और 13 होते हैं, ठीक है, 14 भी होता है लेकिन वो इतना नहीं होता, तो 12 और 13 होते हैं। आइसोटोप का मतलब क्या हो गया, चलो अभी छोड़ो उस बात को छोड़ो, आइसोटोप होते हैं, ठीक है, समझ लो कि कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, मतलब कि उन दोनों का नाम कार्बन है और जुड़वा भाई है, ठीक है, उनके अंदर क्या है, बस एक हल्का सा डिफरेंस है, वो क्या है कि एक प्रोटोन, एक हमारा क्या है मास नंबर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उस पर अभी मत जाओ, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तुम्हें समझना क्या है, ये समझ लो कि एक मेरा कार्बन 12 है, ठीक है, कार्बन 12 का मेरा एक एटम है, ठीक है, कार्बन 12 का मेरे पास एक एटम है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, उसके मैंने क्या कर दी 12 हिस्से कर दी, 12 parts कर दी, वही बात है, मतलब मेरे पास एक कार्बन एटम था, ठीक है, उसके मैंने 12 हिस्से कर दिए, ठीक है, कितने हो गए 3, 6, 12 हो गए, ठीक है, 12 हिस्से कर दिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसका एक पार्ट इक्वल हिस्से किया, यहाँ पे नहीं दिख रहे, ठीक है, इक्वल हिस्से है, ठीक है, मतलब कि 12 भागों में डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है, 12 different parts कर दिए जिसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसके बाद क्या किए मैंने, क्या किया उसका एक पार्ट ले लिया, ठीक है, एक पार्ट ले लिया, ठीक है, उसका एक पार्ट के मुकाबले में मेरा एटम कितना भारी है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या हो गया, मतलब देखो मैंने क्या किया, मान लो मुझे क्या ऑक्सीजन के एटम का वेट करना है, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम का, तो मैं क्या करूंगा, ये मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो वहां पे बैठ के तराजू में माप रहे होते हैं, ठीक है, वैसे समझने के लिए मैंने तुम्हें बताया केमिस्ट्री को, जितना तुम सरल भाषा में समझोगे, इन सिंपल लैंग्वेज समझने की कोशिश करो तो उतनी ज्यादा समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि हम क्या, हम जो डेली यूज करते हैं सामान उससे रिलेट करेंगे तो आसान होता है, ठीक है। ये मान लो मेरा बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस ऐसे ही होता है कुछ, जब मार्केट में जाते हैं तराजू ऐसा सही होता है, ठीक है, होगा क्या, मैंने क्या मान लो एक ऑक्सीजन के आइटम लिया, ये मेरा ऑक्सीजन के आइटम है, ठीक है, ओ से मैंने उसको कर दिया ऑक्सीजन के आइटम है, ठीक है। अब मुझे इसका वेट करना है, ठीक है, मैं वेट कैसे करूंगा,
साइंटिस्ट ने क्या किया कि मैंने क्या है कार्बन 12 का एटम लिया, ठीक है। अब बात आ रही है कार्बन ही क्यों लिया सर, और कोई क्या इसके साथ इतनी पार्शियलिटी क्यों की? देखो कार्बन हमारा सबसे अबंडेंट है, अबंडेंट मतलब क्या, सबसे ज्यादा पाया जाता है, और उस टाइम पर तो सबसे ज्यादा कार्बन के बारे में ही पता था। और तुम्हें पता है कार्बन क्या, सारा कुछ हमारे आसपास जो है पेड़ पौधे हम सब के कार्बन के बने हुए, ठीक है। वो कार्बन इसलिए लिया क्योंकि सबसे अबंडेंट था। और जो 12 आइसोटोप है, मैंने तुम्हें बताया कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं 12 एक 13, 12 भी क्यों लिया क्योंकि उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वो भी मतलब अबंडेंस के बेसिस पे ली, ठीक है। तो क्या किया, मान लो मुझे ऑक्सीजन के एटम को मेजर करना है, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, एक कार्बन एटम लूंगा उसके 12 हिस्से, ठीक है, काट दिया उसको 12 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर मैं एक एक करके उसके बाद जो मैंने एक एक 12 हिस्से किए हैं, ठीक है, उसका एक एक पार्ट करके यहां रखने लग गया, ठीक है, यहां रखने लग गया। जब मैंने यहां पर 16 पार्ट्स रख दिए उसके, ठीक है, मतलब कार्बन 12 को जब मैंने 12 हिस्सों में किया उसका एक पार्ट के जैसे 16 पार्ट्स रख दिए, मतलब कि जो सबसे छोटा पार्ट था, ठीक है, मतलब कार्बन को मैंने 12 हिस्सों में काटा, ठीक है, उसका एक पार्ट लिया, उस एक पार्ट के मुझे 16 पीसेस रखने पड़ गए इधर, तब जाके वो ऑक्सीजन को बैलेंस कर पाया। तो हमने क्या बोल दिया कि ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है, 16 AMU, ठीक है। अभी बताता हूँ AMU क्या होता है, 16 AMU, 16 मतलब कहां से आया कि हमने क्या कार्बन 12 के 12 पार्ट्स किए, उसका एक पार्ट के कितने टाइम्स है मेरा ऑक्सीजन के एटम, उसी को हमने क्या बोल दिया कि उसका वो मास है, ठीक है। देखो यहां पर हमारी रिलेटिव चीज क्या आ गई, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, ठीक है। तो मैं पूरा इसको जो हमने लिखा है उसको कंक्लूड करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं, मतलब तुम्हें नाइन्थ में भी इतना सिंप्लीफाई करके नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पर हमारे आधे क्वेश्चंस तो माइंड में रह जाते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा स्टैंडर्ड क्या हो गया, यहां पर स्टैंडर्ड मेरा क्या हो गया, 1/12 मास हो ठीक है। तो हमारी क्या बात आती है, अगर मैं इसको क्या मैंने एक स्टैंडर्ड मान लिया कि 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, हमने उसको 1 स्टैंडर्ड मान रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम मेरा क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगा 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है, मतलब मैंने क्या 16 पीसेस रखने पड़े कार्बन 12 के, हमने क्या 1/12 इससे किए, ठीक है, उसके 16 टाइम्स मेरा क्या आ रहा है मास ऑफ 1 ऑक्सीजन। अगर मैं बोलूं मास ऑफ 1 सल्फर एटम, ठीक है, सल्फर एटम, तो मेरा क्या आया, मुझे क्या 32 पीसेस रखने पड़े उसके, इसके 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, अगर मैं बोलूं मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ठीक है, तो मेरा क्या आया 14 टाइम्स आया 1/12। देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार ये बोलना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन एटम है 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ऐसे करके मतलब मेरे को सांस ही चढ़ गया, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमने इस चीज को क्या बोल दिया, इस टर्म को हमने क्या बोल दिया 1 AMU, हमने इसी का नाम क्या रख दिया 1 AMU, हमने इसको 1 AMU बोल दिया, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या हो गया, अब मेरे लिए आसानी हो गई, अगर मुझे बोलना है 1 ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम तो मैं क्या बोल दूंगा, इसकी जगह मैं इतना बड़ा बोलने की बजाय मैं क्या बोल सकता हूँ 16 AMU, ठीक है। अगर मुझे सल्फर का बोलना तो मैं क्या बोल दूंगा 32 AMU, अगर मुझे नाइट्रोजन का बोलना तो मैं क्या बोल दूंगा 14 AMU। तो मेरा क्या हो गया, देखो एक तो हमारी एक यूनिट बन गई, यूनिट मतलब क्या हो, यूनिट बनाने का मतलब क्या होता है, हमारा काम आसान करना। मेरे को यहाँ सांस चढ़ गया था बोलते हुए, तो 3 बार बोला है पूरे, मतलब जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे लाखों बार बोलेंगे, मैं तो भाई ये बोलते बोलते ही मर जाता, ठीक है। तो हमने क्या एक नाम दे दिया AMU, ठीक है, इसको पूरे को। तो अगर मैं इस सबको बोलूं तो मेरा स्टैंडर्ड ये जो बना है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे स्टैंडर्ड को इसका वैल्यू क्या होती है मेरी 1 AMU, ठीक है। तो मेरी क्या आ गई 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से ये आ जाता है जो पूरा अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। अब बता दो एक बार, सब समझ आ गया ना जितना भी हमने किया है, बता दो एक बार, ऑल राइट सब समझ आ गया, बता दो एक बार जितना भी हमने किया है।
ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से लिया है, मतलब तुम्हारी डेली लाइफ से रिलेट करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे हम बढ़ेंगे, उसमें क्या है, उसमें और इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाएगा, मतलब कि मजा ही आ जाएगा उस पर, उस चीज को देखते हुए। अगली बात क्या होती है, फिर हमारा क्या आ गया, स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब स्पेक्ट्रोमीटर ने तो नजारे लगा दिए जिंदगी के। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर वो चीज है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से, जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे कि हमारे एटम हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिनको हम नहीं देख सकते, भाई हमने आविष्कार कर दिया ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जो उनका वेट मेजर कर सके। मतलब वही अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि हमारे पास कोई वेइंग मशीन नहीं थी जिससे हम वेट कर सके, अब हमें वो मशीन मिल गई। ठीक है, तो उस मशीन से हमने क्या कर लिया, उस मशीन से हमने बहुत ही बेहतरीन काम कर लिया, हमने क्या मास निकाल लिया, मास ऑफ 1/12 कार्बन एटम। ठीक है, हमने क्या कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का मास निकाल लिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ 1/12 कार्बन एटम, तो मुझे कितना मिल गया, 1.99 × 10⁻²⁻²⁰ ग्राम, ये मुझे क्या मिल गया, उसका वेट मिल गया। ठीक है, 1/12 जो पार्ट अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे ना, उसका वेट मिल गया, तो हमारे लिए क्या आसान हो गया। अभी देखो मेरा 1 AMU क्या था, ठीक है, 1 AMU मेरा क्या था, ये 1 mass of 1/12 था, नहीं सॉरी, यहाँ में मिला कार्बन 12 एटम का मास, ठीक है, वो इतना मिला। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया, 1 AMU मेरा क्या आ रहा था, 1/12 मास ऑफ 1 carbon 12 एटम, यही था। अब मुझे क्या, इसका मास मिल गया, ठीक है, तो इसका मास मिल गया, भाई हमारी तो जिंदगी सफल हो गई, 1/12 × 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम, तो मुझे क्या मिल गया, 1 AMU का ग्राम के साथ रिलेशन मिल गया, वो क्या आता है मेरा, 1.67 × 10⁻²⁰ kg बोल सकता हूँ, या −24 ग्राम बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया, जो मेरा AMU और ग्राम को रिलेट करने को मिल गया, मतलब हम जो AMU यूज कर रहे थे उसको ग्राम के साथ रिलेट कर दिया, तो हमारी जिंदगी सफल हो गई। अब हमारा क्या, AMU को कभी हमें ग्राम में करना हो या ग्राम को AMU में करना हो, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर अब मैं क्या करूं, अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन एटम का वेट कितना है, तो तुम बोलोगे सर 16 AMU है। ठीक है, 16 AMU, और याद करो इसी को हम उसका एटॉमिक मास बोलते हैं, ये मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये उसका एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम एक एटम के मास की बात करते हैं उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, और उसकी यूनिट क्या होती है, AMU। ठीक है, AMU होती है, लेकिन कोई मान लो जिद्दी प्रोफेसर आ गया, टीचर, वो कह रहे भाई मुझे इसकी वैल्यू ग्राम में बताओ, तो कहोगे सर अभी पेश करते हैं, कितना आसान है, 1 AMU, 16 AMU का मतलब क्या हो गया, 16 × 1 AMU। ठीक है, 1 AMU की वैल्यू क्या है हमारी, ये आ चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ, 16 × 1.67 × 10⁻²⁰ ग्राम। लो सर, हमने आपको ग्राम में वैल्यू निकाल के दे दी, आप खुश रहो, आप दुखी मत हो, हम आपको ग्राम में भी आंसर दे देंगे। ठीक है, लेकिन वैसे अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास क्या, हम AMU में ही मेजर करते हैं। मान लो कोई टीचर बोले कि ग्राम में उसकी वैल्यू बताओ, तो हम क्या कर देंगे, बस उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 AMU का मतलब होता है 1.67 × 10⁻²⁰ ग्राम होता है। ठीक है, अगर मैं इसको केजी में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1.67 × 10⁻²⁰ kg हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है ग्राम और केजी में कन्वर्ट करना तो आता ही है, तो जैसे पूछे हम उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो बात आती है अगली, ये तो हमने सीख लिया कि मेरा एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास को मैं क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ वन एटम, ठीक है, उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, और उसको हम AMU की टर्म्स में बोलते हैं। ठीक है, AMU। ठीक है, अगली बात आती है, हमें अगली टर्म जो पढ़नी है वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अगली टर्म क्या है मेरी, रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी क्या बला है, अभी मैं बताता हूँ, ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, कोई बला नहीं है, ये बस क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, हमारा क्या हो गया, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, किसका, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, जो किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, एक कार्बन एटम, इसी को मैं क्या बोलता हूं,
तुम्हें पता ही है, इसकी जगह और क्या लिख सकता हूँ, 1 AM। मतलब क्या हो गया, रिलेटिव एटोमिक मास कुछ भी नहीं है। देखो मान लो मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ रिलेटिव एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मुझे पता है उसका एक एटम का मास कितना होता है, 16 AMU, डिवाइड क्या करना है हमें 1 AMU से, तो AMU से AMU कैंसिल हो गया, यूनिट कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो गया 16। मतलब देखो हमारा एटोमिक मास और रिलेटिव एटोमिक मास में क्या फर्क आ रहा है, एटोमिक मास में मेरी यूनिट होती है, रिलेटिव एटोमिक मास में मेरी यूनिट कुछ नहीं होती है, और लेकिन जो आगे का मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो कितनी मजेदार बात होगी रिलेटिव एटोमिक मास, और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ नाइट्रोजन का एटोमिक मास क्या है, तो तुम बोलोगे सर 14 है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा 14 कैसे आता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 14 AMU है, ठीक है, मेरा एटोमिक मास, तो इसका रिलेटिव एटोमिक मास क्या हो जाएगा 14, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस यूनिट हट गई, रिलेटिव निकल गई, ठीक है। अगली बात क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लो एटॉमिक मास मेरा क्या होता है, एएमयू में डिफाइन होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास मेरा यूनिटलेस होता है, ठीक है, यूनिटलेस, ठीक है, मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अगली बात क्या है, अगली हमें पढ़ना है मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास, अब बात आ रही है मोलिकुलर मास क्या होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, अभी हमने सारे एटम्स के मास के बारे में पढ़ लिया, तो हमें क्या करना है, मान लो एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जितने भी एटम्स आ रहे हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दिया, तुम्हारा क्या आ गया मॉलिक्यूलर मास। मतलब क्या हो गया, इसके अंदर H2 में मेरा क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, और क्या है इसके अंदर, 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है क्या होता है, वो होता है 1 AMU, नहीं भी पता तो मैं तुम्हें एक टेबल में बता दूंगा, ठीक है। प्लस ये मेरा 1 ऑक्सीजन एटम है, 10 नहीं है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU, तो मेरा क्या आ गया टोटल 18 AMU। तो मुझे क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास मेरा क्या हो गया, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, तो लिख लो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मेरा, बहुत ही सिंपल चीज होती है, वो होती है सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास, या इसको वेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई फर्क नहीं होता, फिजिक्स में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में तुम चाहे वेट बोलो चाहे मास बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फिजिक्स में बहुत फर्क होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं है, चाहे तुम बोलो वेट चाहे मास, तो क्या होता है सम ऑफ एटॉमिक मास या वेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी सारे एटम्स रहते हैं उनके एटॉमिक जो भी हमारा मास होगा उन सबको ऐड कर दो, ठीक है, जैसे मैंने H2 बोला, ठीक है, तो तुम्हें घर से कौन कौन से के करने हैं, H2 लिख लो, तुम्हें बताने हैं मुझे H2SO4, HNO3, CaCO3, ठीक है, सब पे तुम्हें मास नंबर या एटोमिक वेट पेरियोडिक टेबल देख लेना, वहां मिल जाएंगे, ठीक है। एक और क्या होता है, और मैं और लिख लो, ठीक है, HClO4, ठीक है, ये तुम्हारे और सिंपल CO2, ठीक है, CO2 और कौन सा ले सकते हैं, NH3, ठीक है, इन सब के तुम्हें क्या, मुझे मॉलिक्यूलर मास बताना, ठीक है, इन सब के मॉलिक्यूलर मास। अब क्या, मैं तुम्हें कुछ इंपोर्टेंट के एटॉमिक मास बता देता हूँ, ठीक है, जैसे इन सबको नोट कर लो, तुम्हें इनके मुझे मास बताने, तब तक मैं क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना जो, उनके एटॉमिक मास को मैं लिखवा देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब जो तुम्हें याद होने ही चाहिए, अभी हम वो लिख रहे हैं, होते तो बहुत सारे हैं तुम्हें पता ही है, ये नोट कर लो ये सारे, इन सब के तुम्हें याद होने ही चाहिए, ठीक है, कम से कम। तो अब देखो हाइड्रोजन का तुम्हें पता है कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है, ये सारे क्या हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की, ठीक है। नाइट्रोजन का दोबारा से लिख दिया, चलो कोई नहीं, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का हमारा होता है 19, ठीक है, सोडियम का होता है हमारा
23, मैग्नीशियम का होता है हमारा 24, ठीक है, फॉस्फोरस का होता है 31, क्लोरीन का होता है 35.5, सल्फर का होता है हमारा 32, ठीक है, और उसका Fe का होता है 56, जिंक का होता है हमारा, पहले इसका लिख लो 63.5, ठीक है, इनके याद कर लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें मैं बता ही दूंगा। और अब कौन से बच्चा, जिंक, हाँ ये वाला 65, ठीक है, आयोडीन का 129, ठीक है, और पोटेशियम का हमारा कितना होता है 39, ठीक है, इनके तो कम से कम याद ही रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये पहली लाइन, ठीक है, पहली लाइन, उसके बाद तुम्हें किसका याद रखना है, तो नाइट्रोजन हो ही गया, इसका याद रखना, इसका याद रखना, ठीक है, फ्लोरीन का इतना भी नहीं बोलूंगा, इसका याद रखो, इसका भी बहुत जरूरी है, इसका भी बहुत जरूरी है, और इसका बहुत जरूरी है, ठीक है, और ठीक है, मतलब करने सारे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, वो मैंने तुम्हें यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है, वो तो तुम्हें सारे करने ही करने, ठीक है, इनका ध्यान रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए, जिसकी हेल्प से तुम निकाल सकते हो, ठीक है, ये सबके एटॉमिक मास हो गए, ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। अब अगली चीज हमें क्या पढ़नी है, मोलर मास, ठीक है, अब अगली चीज हमें क्या पढ़नी है, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, देखो मोलर मास को समझने से पहले तुम समझ लो कि एक मोल क्या होता है, ठीक है, एक मोल, व्हाट इज वन मोल, ठीक है, अगर मुझे बताना वन मोल क्या होता है तो मैं कितना आइडिया, वन मोल क्या होता है बता दो एक बार, वन मोल क्या होता है बताना एक बार, जितना तुम्हें आइडिया उतना बता दो, बताना वन मोल क्या होता है, वन मोल क्या होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वन मोल हमारा क्या होता है, वन मोल हमारा होता है 6.023 × 10⁻²³, ठीक है, वो वन मोल होते हैं। वन मोल हमारे क्या पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आयंस भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी चीज हो, वो वन मोल मतलब क्या, अगर रीजन क्या है, देखो अगर मैं बोलूं हमें क्या आया, ये क्या आया, अभी हमने लिखा था, ये क्या था, मास ऑफ वन कार्बन एटम, ये किसका मास वेट है, वन कार्बन एटम का, ठीक है, तो वन ग्राम कितने का होगा, 1/1.99 × 10⁻²³, तो 12 ग्राम में मेरे कितने एटम आ रहे होंगे, 12 ग्राम में अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाता है, मेरा आ जाता है 6, यही वाला नंबर, मतलब क्या हो गया, अभी तक हमारे माइंड में ये था, हमने रट्टा मार रखा था, ये नंबर कहाँ से आ रहा है, ये नंबर हमारा यहाँ से आ रहा है कि जब हमारे 12 ग्राम कार्बन में, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन में मेरे कितने एटम्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसी को हम एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, क्योंकि उसने निकाला था ये, तो हमने उसका एवोगैड्रो नंबर रख दिया, ठीक है, आया कहां से, बच्चों के माइंड में होता है बचपन से, हमें बस याद है वन मोल ये रहता है, आया कहां से, वो होता है कि 12 ग्राम कार्बन में हमारा कितने प्रेजेंट एटम्स, ठीक है, 12 ग्राम मैंने कार्बन लिया, उसके अंदर मैंने गिन रहा हूँ कि कितने एटम थे, और वो गिन के मुझे कितने मिले, वो इतने मिले, ठीक है, तो वन मोल ये कहां से आता है, हम अगर तो सिंपल सा यूनिट्री मेथड है ये, हमने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला, मतलब स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला, ठीक है, फिर यूनिट्री मेथड लगा दिया, कितना ग्राम, एक कार्बन एटम का वेट है, तो 1 ग्राम कितने का होगा, 1/10, और 12 ग्राम कितने का होगा, तो वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये टर्म, और हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
अब बात आ रही है कि सर इसको एवोगैड्रो नंबर क्यों बोलते हैं। अब बात वही है कि अगर मैं 12 बनानास बोल रहा हूँ, ठीक है, 12 एप्पल्स बोल रहा हूँ, 12 एप्पल्स, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, और 1 dozen एप्पल, ठीक है। अब देखो, अब मेरा 1 lakh, ठीक है, 1 lakh, मान लो मेरा 1000 है, ठीक है, इसको मैं 1000 बोलता हूँ, ठीक है, 1000 बोलता हूँ, बोलने को मैं इसको और क्या बोल सकता था, 1000 भी बोल सकता था, ठीक है, 1000 भी बोल सकता, क्या चला जाता भाई मेरा। मैंने एक और नाम क्यों डिफाइन किया, एक और नाम इसलिए डिफाइन किया ताकि हमारा क्या हो जाए, जिंदगी आसान हो जाए। मतलब जब भी दुनिया में कोई नई चीज आई है, मतलब बड़ी चीज हुई है, उसका नाम हुआ है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं 1 lakh है, ठीक है, 1 lakh मेरा क्या होता है, 10^5 होता है, ठीक है, तो मैं 1 lakh 10^5 को मैं 100,000 भी बोल सकता था, क्योंकि हमारे होता तो यही है भाई, मैं इसको 100,000 बोल देता, क्या गुना किया था भाई इसने। हम इतने सारे नाम क्यों याद रखे, क्योंकि 100,000 एक तो मुश्किल हो गया, ठीक है, उसको 1 lakh बोलना ज्यादा आसान लगता है, ठीक है। तो एक तरह से ये लगा लो कि जब भी दुनिया में कुछ बड़ा नाम आया, ठीक है, बड़ी चीज हुई है, उसका एक नाम हो गया, तो वैसे ही इस पार्टिकल्स को हमने क्या, एक मोल बोल दिया, मतलब कि हमने क्या अपनी स्टडी को आसान कर दिया, ठीक है। तो बच्चों के माइंड में ही रहता है 1 mole सर क्या, मतलब बहुत मुश्किल है, हमारा माथा खराब हो जाता है, कुछ भी नहीं है, एक नंबर है बस, वो नंबर क्या है जो हमने यहां से निकाला और एक बड़ा नंबर आया, देखो इतना बड़ा है, 10^23। हम बोलते हैं अगर हम करोड़पति बन जाए हमारी जिंदगी सवर जाएगी, 10^23 है, 10^23 मतलब करोड़ को 1 crore का 3 गुना कर दो, 3 गुना नहीं, 10^7 इंटू 10^7 मतलब कितना, मतलब सोच भी नहीं सकते कितनी जीरोज है, मतलब 23 zeros हो गई, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा कारनामा हुआ है, तो उसका एक नाम रख दिया, उसका नाम क्या था हमारा, 1 mole, ठीक है। ये 1 mole हम कहाँ यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में, क्योंकि वहां पर इतने बड़े बड़े नंबर के बीच में कैलकुलेशन होती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया हमने 12 gram कार्बन लिया है और उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल, आप सोच लो क्या इस पैन के अंदर मेरे कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है, ठीक है। तो हमारी ये बात हो गई कि अब हमने समझ लिया कि 1 mole क्या होता है, ठीक है। तो मोलर मास क्या हो गया, तो मैं मोलर मास को क्या बोल सकता हूं, तो मोलर मास मेरा हो गया मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम वो किसी भी चीज की बात कर सकते हैं, ठीक है, मास ऑफ 1 mole ऑफ अ सब्सटेंस, और ये क्या इसमें होता है, इन ग्राम, मतलब कि हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट ले आए, क्योंकि हमारा ग्राम्स क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में चलता रहता है, ठीक है। तो मेरा मोलर मास क्या हो गया, हम किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसका अगर हम ग्राम्स में वेट निकालेंगे उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास, ठीक है। तो हम इसको मोलर मास को हम देखो, मैं पता है 1 mole कितना होता है, ठीक है, यही होता है हमारा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, अगर मैं बोलूं मोलर मास मेरा क्या हो गया, मोलर मास मेरा क्या हो गया, मास ऑफ 1 unit, मास ऑफ 1 unit, ठीक है, इनटू मेरा क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर, ये मेरा एवोगैड्रो नंबर का सिंबल होता है, मतलब क्या हो गया इसको, मतलब क्या हो गया, 6.023 × 10^20, मतलब क्या हो गया, मैं इसको कैसे रिलेट कर सकता हूँ, देखो अगर मैं बोल रहा हूं मेरा 1 oxygen atom का वेट मेरा कितना है, 60 ra, ठीक है। तो अगर मैं 2 oxygen atom की बात करूं वो कितना हो जाएगा, 2 × 16, ठीक है। 3 oxygen atom की बात करूं, ये 20 नहीं है, 1 oxygen 2 oxygen 3 oxygen, क्या हो जाएगा, 3 × 16 ra, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। 4 की बात करूंगा तो मेरा 4 × 16 ra हो जाएगा। अगर मैं 6.023 × 10^23 की बात करूंगा, ठीक है, ऐसे कर करके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, अगर मैं इतने पार्टिकल्स की बात करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, 16 × 6.023 × 10^23 बोल सकता हूँ, ठीक है। और हमें क्या पता है 1 amu मेरा क्या होता है, 1 amu मेरा होता है 1.67 × 10^-24 होता है, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें एक रिलेशन करवाया था, 1 amu = 1.67 × 10^-24 ग्राम, ये मैंने रिलेशन कराया था, तो मैंने amu को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। तो अब मैं जब इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है, इसको पूरे को सोल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा ये क्या बन जाता है, मेरा 1 gram के इक्वल आता है। इसको सोल्व करके देख लेना, मतलब इस पूरे को मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया, 16, ये तो मेरी पूरी 1 हो गई, और यूनिट क्या होगी, ग्राम,
मतलब क्या हो गया, मतलब कि इतनी मजेदार चीज हो गई कि मोलर मास भी क्या है, सेम वही चीज है जो हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, फर्क क्या आ गया, बस एक यूनिट का फर्क आ गया। मतलब देखो, मतलब मजा ही आ गया, ऐसा मजा आ गया कि अगर मैं ऑक्सीजन का बोल रहा हूँ एटॉमिक मास बता दो, तुम बोलोगे 16 mm, अगर मैं बोलूंगा इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ तो तुम बोल दोगे 16, अगर मैं इसका बोलूंगा मोलर मास बताओ तो तुम बोल दोगे 16 ग्राम। मतलब क्या, मजा ही हो गया, ये चीज तो आगे वाली तो सेम ही है, बस फर्क क्या है, इसमें एएमयू आता है, यहाँ कुछ नहीं आता और इसका ग्राम आ जाता है, ठीक है। हमने जो सीखा पूरा समझा उसका अगर मैं एक्सट्रैक्ट निकालू तो मेरा ये चीज आ गई, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया 16 ग्राम, मेरा कहां से आता है, तो हम बस बचपन में हम बोल देते हैं कि अगर मोलर मास बोल रहे हैं ना, मोलर मास को बस ग्राम यूनिट लगा दो, एएमयू की जगह उसको मोलर मास बोल देते हैं। भाई कोई रीजन क्या है, रीजन यहाँ से आ रहा है, देखो समझो, एक ऑक्सीजन आइटम का मास कितना है 16 mm, दो का कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई, 3 का कितना होगा 3 × 16, 4 का कितना 4 × 16, ऐसे एवोगैड्रो नंबर का 16 × एवोगैड्रो नंबर, ये मेरा किस में आ रहा था, एएमयू में, एएमयू को मैं ग्राम में करना है तो मैं ये रिलेशन यूज कर लूंगा, तो ये रिलेशन यूज करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 हो जाता है, ठीक है। तो मेरा ये 1 हो गया, तो 16 × 1 और यूनिट मेरी अभी ग्राम में हो चुकी है, तो मेरा क्या आ रहा है आंसर 16 ग्राम। मतलब ये तो कमाल ही हो गया, हमने जो इतना कुछ पढ़ा उससे हमें क्या है, कितना बढ़िया रिलेशन मिला कि हमारा क्या एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास हमारा क्या है, एक तरह से सेम चीज है, मैग्नीट्यूड सेम ही है, बस हमारा यूनिट का फर्क है, ठीक है। पहले समझो फिर शॉर्टकट क्या, कोई यहां से उठाओ, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट उठाओगे तो पूरे कंसेप्ट में तुम क्या कर दोगे, गोबर कर दोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद शॉर्टकट यूज करो, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन कंसेप्ट को बिना पकड़े शॉर्टकट को यूज नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए दिक्कत ही करता है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ आ गई या नहीं आई, एक बार बता दो। तो अभी देखो यहाँ पर मेरा एक और रिलेशन निकला बहुत मजेदार, जो तुम्हारा बहुत यूज होगा। यहाँ पर अभी हमने एक क्या चीज देखी कि अगर मैं 1 amu, ठीक है, को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, तो मेरा किसके इक्वल हो रहा है 1 ग्राम। यहाँ पर मैंने ये चीज तुम्हें दिखाई है, ठीक है, ये मेरा एवोगैड्रो नंबर है, ये मेरा क्या है 1 amu की वैल्यू, वो मेरे किसके इक्वल हो रही है 1 ग्राम के इक्वल, इसका वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका रिलेशन मेरा क्या बन गया, 1 amu मेरा क्या हो गया 1/NaG, ठीक है। मैंने एक amu का आंसर बताया था 1 amu, एक ये चीज बताई थी मैंने, ठीक है, और एक और रिलेशन आ गया 1 amu = 1/NaG। लो मतलब कमाल हो गया, इतनी बढ़िया चीज पता चल गई हमें, ये वाली चीज, मतलब आगे देखना तुम्हें कैसे यूज कर करके क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स करोगे, ठीक है। ये चीज को अगर समझ लिया, ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाता है हमारा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और एक और बात लिख लेना, हमने मोलिकुलर मास में देखो हमने क्या बोला, हमने अभी तक एएमयू यूनिट यूज की है, ठीक है, एएमयू यूनिट, ठीक है, जब हम एक एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एएमयू को हम यू भी बोल देते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी यूज कर लो, एएमयू का एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या है यूनिफाइड मास, ठीक है। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये क्या हो गया यूनिफाइड मास, ठीक है, और ये क्या हो गया एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट, तो इस बात का ध्यान रखना, ये दोनों सेम ही चीज है, मतलब कि बिल्कुल सेम चीज है। क्यों, देखो एएमयू में मेरा क्या आ रहा था एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जब मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, ठीक है, तो मैं उसको बोल रहा था 18 amu, तो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की, ये तुम्हें पता ही है मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से बनता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 18 amu, तो किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि फर्क नहीं था बस नाम में, मतलब कि नाम में फॉल्ट निकाल दिया कि सर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं 18 amu बोल रहे हैं, और 18 amu का मतलब है 18 atomic mass unit, और है ये मॉलिक्यूल, तो सर यहाँ हमारा तो ये तो एटम की बात हो गई, मतलब कि हमारे नाम में एटम आ रहा है, हम बात मॉलिक्यूल की कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, भाई तू 18 U बोल दे, तू खुश रहे, ठीक है, मतलब कि amu और यू एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, बस मॉलिक्यूलर मास जब हम निकाल रहे थे तो लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया कि नाम में मजा नहीं आ रहा, कि amu में तो एटम के लिए निकालते हैं और हम मॉलिक्यूलर मास में उसको amu बोल रहे हैं, साइंटिस्ट ने क्या बोला, भाई तू यू बोल, ठीक है। तो हम कई बार amu भी लिख सकते हैं और यू भी, तो एक ही बात है, ठीक है। एटॉमिक मास हम amu की यूनिट में भी बोल देते हैं और यू भी, दोनों एक ही बात है। यू क्या हो गया, बस क्या हो गया कि हमने एक और नाम दे दिया, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में ऑब्जेक्शन उठा रहे थे जब हम उसको मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने बोल दिया भाई यू ले ले, तू खुश रहे बस, मतलब तू लड़ाई झगड़ा ना कर, तू खुश रहे, तो हमने एक और यूनिट दे दी यू, ठीक है, उसका मास भी क्या एटॉमिक यूनिफाइड मास, इसकी फुल फॉर्म बोल देते, ठीक है।
अब देखो ये वाली बात हो गई, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है देखो, अब हमें मोल, अभी हमें मोल के बारे में देखो। अब हमने पूरी केमिस्ट्री में मोल 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 का ही जाप करते रहना, ठीक है। तो तुम सुबह शाम रात को मोल मोल का जाप करते रहते हो, ठीक है। अब तुम केमिस्ट्री के स्टूडेंट बन गए हो, ठीक है, जो अब मोल का जाप करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि हम जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि हम वेट की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वेट की मेजरमेंट हम केजी में करते हैं, ठीक है, वेट की मेजरमेंट, ठीक है, क्योंकि हम जैसे हम एप्पल लेने, कुछ भी कुछ अगर लेने जाते हैं, मान लो वो लेने जाते हैं कपड़ा, मान लो या कुछ ले लो कि धागा ले लो, तो हम किस में बात करते हैं, लेंथ में बात करते हैं, रोड ले लो लेंथ में, ठीक है। पीने की बात करते हैं, कुछ लिक्विड की बात, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वो हम लीटर्स में करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम जब कैलकुलेशंस की बात करेंगे, वो हमारा सबसे बढ़िया क्या होता है, मोल। क्योंकि मोल क्या है, मोल बना ही स्पेशल इसलिए है कि हम केमिस्ट्री पढ़ सके, ठीक है। तो हमें कुछ भी पढ़ना है तो हमारा मेन क्या होगा, मोल, मतलब मोल का जाप करो और केमिस्ट्री सीखते जाओ। लेकिन हमारी, हम क्या, हम मोल को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि क्या हो गया, देखो ये केमिस्ट्री की एक तरह से भाषा है, ठीक है, केमिस्ट्री की। हमारी भाषा क्या है, ग्राम्स, मतलब ग्राम वाली भाषा है, ठीक है। या हमारी भाषा क्या होती है, लीटर्स वाली भाषा होती है, या हमारी नंबर वाली भाषा, जैसे डजन वगैरह होती है, ठीक है, या हम नंबर की टर्म्स में बात करते हैं। तो हमारा काम क्या है कि हम मोल और ग्राम को रिलेट कर ले, ठीक है, मोल और लीटर को रिलेट कर ले, मोल और नंबर को रिलेट कर ले, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये हमारी भाषा है, ये केमिस्ट्री की भाषा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लेना, ये हमारी भाषा, ये केमिस्ट्री की भाषा, इन दोनों के बीच में निकाल लेना, ठीक है, ये हमारी भाषा, ये केमिस्ट्री की भाषा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सबके बीच में लिंक बनाना है। लिंक मतलब क्या हो गया, उन दोनों को रिलेट कर देना, ठीक है, उनके बीच में एक ऐसा एक रिलेशन निकाल देना है जिससे हम इससे उसमें कन्वर्ट हो सके और उससे इससे कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, अगर हमें मोल निकालना है फ्रॉम मास, तो लिख लो मोल की कैलकुलेशन, या बोल सकते हैं मोल निकालना है, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, फ्रॉम मास, ठीक है, फ्रॉम मास निकालना है, ठीक है। तो मैं देखो, एक फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा होगा, क्या होता है, एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तुमने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, नाइन में बता दो एक बार, ये तुम्हारा पता कहां से आया, इतना सिंपल है, लेकिन हमें बचपन में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि हमारा इतना ग्रो नहीं हुआ होता माइंड, ठीक है। लेकिन बहुत सिंपल है, एक बार बता दो, वैसे जनरली बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूँ एक मोल का मास कितना होता है, ठीक है, वो उसके मोलर मास के बराबर होता है, तो मैं उसको मान लो एम बोल देता हूँ, ठीक है, एम ग्राम बोल सकता हूँ। मतलब अगर मैं एक मोल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा कितना हो जाता है, 16 ग्राम हो जाता है, ठीक है। अगर मैं एटम की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको एम बोल देता हूँ जनरली, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सा मेथड लगाऊं, एम ग्राम इज द मास ऑफ, ठीक है, वन एटम का, वन मोल का, सॉरी वन मोल का, ठीक है, एम ग्राम मेरा किसका मास है, वन मोल का, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं वन ग्राम की बोलूं, वन ग्राम कितने का मास हो जाएगा, वन बाय एम का, ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा गिवन वेट है डब्ल्यू, कुछ भी गिवन है, ठीक है, उसमें कितने मोल्स होंगे, कितना मास होगा, तो मेरा क्या आ जाता है, वन बाय एम, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तुम्हें पता ही है, तो मेरा क्या आ जाता है, डब्ल्यू बाई एम। तो यहाँ से मेरा क्या होता है, ये मेरे कितने आ गए, मोल्स बता रहे, ठीक है। तो मतलब एम ग्राम में मेरे वन मोल है, तो एक ग्राम में कितना होगा, वन बाय एम, ठीक है। तो डब्ल्यू ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, डब्ल्यू बाय एम मोल। तो मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स मेरा हो गया यही वाला जो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना फॉर्मूला, वो यहाँ से आया है। इतना सिंपल होता है, लेकिन हमें फिर भी नहीं कराया जाता। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स मेरा होता है गिवन मास, क्योंकि डब्ल्यू तो मेरा गिवन मास था, मतलब जो मैंने लिया है, ठीक है, ये तो मेरे हाथ में, मैं कितना ले रहा हूँ, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एम क्या था मेरा, मोलर मास, मैंने तो मैं भी यहाँ बताया था, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बाई एम लिख देते हैं। मतलब डब्ल्यू मतलब हमारा गिवन मास को डिनोट करता है, और एम मतलब मोलर मास को करता है, ठीक है, हमने ये आर्बिट्रेरी मान लेता है। W क्या, गिवन मास, G क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरा क्या हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास, तो मैंने फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ये सारा याद करना है, ठीक है, याद करने वाला ऐसा कुछ है भी नहीं, रद्दी भर रहा है कुछ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं बोलो याद करना है, क्योंकि इन द एंड हमारा यूज यही होना है, ठीक है। लेकिन हमें अगर पता हो कि इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, तो हमें पढ़ने में मजा आता है। हमें पता है, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, यूज हो चाहे ना हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए, मतलब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। तो
फॉर्मुला हम यही यूज करेंगे, लेकिन आया कहां से, वो यहां से आया, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मुला बन गया एन। ठीक है, अब देखो दूसरे की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा फॉर्मुले की बात करूं अगर मैं, देखो मेरा क्या आगे एन इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलर मास। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं, सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, मुझे बता दो फटाफट नंबर ऑफ मोल्स बता दो 64 ग्राम, और एक और है नंबर ऑफ मोल्स इन 54 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, अब मुझे ये तुम्हें बताना है कि एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये, बार मुझे बता दो पहले का भी बता दो, दूसरे का भी बता दो। ठीक है, एक बार बता दो फटाफट, 64 ग्राम ऑफ सल्फर में मेरे कितने मोल्स हैं और 54 ग्राम ऑफ H2O में मेरे कितने मोल्स हैं? चलो मैं कर देता हूं, अभी तुम्हें मैंने सिखा रहा हूं, तो पहले मेरा फर्ज है। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो ये हो गया अपनी जिंदगी, ये क्या हो गई केमिस्ट्री की जिंदगी। ठीक है, हमें वो मोल्स के बारे में पूछ रहे हैं, हमें पता है मास, तो हमें एक रिलेशन पता है, वो रिलेशन मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास मुझे क्या है 64 ग्राम, मोलर मास क्या होता है वो हमें पता होता है। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया था सल्फर का क्या होता है मास 32 होता है। ठीक है, AMU होता है अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं, और अगर एक मोल की बात कर रहे हैं तो 32 ग्राम हो जाता है, तो मेरा क्या बन गया 32, तो क्या आ गया 2 मोल्स। ठीक है, अब H2O क्या पूछा है, तो H2O का क्या हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास क्या मेरा 54 इतने में पूछे, और मोलर मास क्या मेरा, मैंने तुम्हें बताया था H2O क्या होता है 18 ग्राम। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 18, तो मेरा क्या बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ, बता दो आई बात समझ, हमें क्या गिवन मास, जो में मास गिवन है, मोलर मास हमें खुद को पता होता है। ठीक है, वो तुम्हें गिवन नहीं होगा, वो तुम्हें खुद को पता होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई समझ, से यस और नो, ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, अब मैं सारा तुम्हें आइडिया दे रहा हूं आज बस। ठीक है, मतलब कितनी मजेदार चीज है। अगला क्या है, अभी हमने क्या मास से किया। ठीक है, अब हमारा क्या है फ्रॉम पार्टिकल्स। ठीक है, अब मुझे तुम एक बार बता दो, तुमने ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा है एन अपॉन एन ए, मतलब गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला आता तुम्हें, यस और नो जल्दी बता दो, फॉर्मूला आता है नहीं आता, ये वाला से यस और नो, बोलो। तो अब ये फॉर्मूला का हम आ जाओ उसके जन्म में चलते हैं, कहां से उसका जन्म हुआ, क्या नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने करना ही है, नाइन्थ में तुमने पढ़ रखा होगा शायद। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, जन्म करना है, मतलब उसके बचपन पे जाते हैं जहां पे उसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखो एनए पार्टिकल्स में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल, एनए मतलब क्या हो गया, मैं बात कर रहा हूं 6.023 × 10²³ पार्टिकल्स में हमारे 1 मोल होते हैं, तो एक पार्टिकल में कितना होगा 1/NA। ठीक है, तो n पार्टिकल्स, n पार्टिकल मतलब जो हमने लिया जो हमारे हाथ में, ये उसमें कितना हो जाएगा n/NA, तो मेरा ये क्या हो गया 1/NA मोल, तो ये क्या हो गया n/NA मोल्स, तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n मतलब क्या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया n/NA, तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला क्या हो गया n/NA, ये उसका हमने क्या पोस्टमार्टम कर दिया कि वो आया कहां से, हमें सर रट्टा नहीं मारना, हम समझ के करेंगे हर चीज और समझ के करनी है हमें, तो सर आप हमें बताओ कि आया कहां से, तो लो भाई हमने पढ़ लिया आया कहां से। ठीक है, तो देखो एक छोटी सी चीज है बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग मतलब कैसे बोले कि उसको इंपॉर्टेंस है बहुत। ठीक है, वो क्या चीज है, अगर मैं बोल रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, या मैं बोल रहा हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, सबसे पहली बात है कि
जब तुम्हारे एटॉमिक मास के आगे ग्राम लग जाए या मॉलिकुलर मास का ग्राम लग जाए, ठीक है, मतलब किस इनके आगे ग्राम लग जाए तो मेरा क्या बन जाता है, मोलर मास। क्या मतलब कि एक तरह बोलने का तरीका है कि हम कई बार हम बोल देते हैं कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ठीक है, हम बोल देते हैं ऑक्सीजन एटम का 16 है, ठीक है, कई बार वो घुमा फिर आगे तुम्हें बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ठीक है, तो तुम्हें समझ आना है तुम्हें मोलर मास दे, मतलब वो इनडायरेक्टली तुमसे बात कर रहा है, ठीक है, हिंट दे रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहा वो, ठीक है, तो मेरा क्या होता है मोलर मास, ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास, जब हम मोलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं और उसके आगे ग्राम लग जाए तो वो क्या हो जाता है, वो भी मोलर मास, ठीक है, मोलर मास मतलब क्या हो गया, हम एक मोल की बात कर रहे हैं, अगर हम एक मोल एटम की बात कर रहे हैं तो वो मेरा ग्राम एटोमिक मास बन गया, अगर मैं एक मोल मोलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो मेरा ग्राम मोलिकुलर मास हो गया, ठीक है, इन देन है वो मोलर मास, मोलर मास का मतलब होता है कि हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स वो एटम भी हो सकते हैं मोलिक्यूल्स भी, जब हम एटम्स की बात करेंगे उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोल देंगे, जब हम मोलिक्यूल की बात करेंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास बोल देंगे, बात तो वही है, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये मेरा मोलर मास गिवन होगा, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ O2, ठीक है, O2 मेरा क्या मोलिक्यूल, तो इसके लिए मेरा क्या डिफाइन होगा, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए क्या डिफाइन होगा, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है, तुम्हें पता है एटम के लिए तो एटॉमिक मास ही निकालोगे, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, लेकिन ये उसका क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, ये भी मेरा क्या है, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास का तो मतलब ये होता है कि हम एक मोल की बात कर रहे हैं, वो मोलर की वो एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल एक मोल होना चाहिए और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं वो हमें अच्छे से पता है, ठीक है, तो ये वाले बात हो गई हमारे, और अगली चीज क्या आती है, तो तुमने लिख लिया, ठीक है, अगली चीज क्या आती है, हमें कई बार वो दे देता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स मान लो, ठीक है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में सब आ जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स मतलब वो क्या बोल सकते हैं, ये पार्टिकल्स मेरे एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो ऐसे बोल रहे हैं मतलब उसका बोलने का तरीका है नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स, ठीक है, तो मेरे मोल्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, मतलब वो क्या नंबर ऑफ मोल्स दे रहा हूँ, ठीक है, एक बात हो गई कि मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर इज 2, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका गिवन वेट दे रहा है, उसका मतलब है देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब ग्राम और एटम्स के बीच में कोई भी नहीं आ रहा, मतलब क्या इन दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, ग्राम भी साथ और एटम भी साथ, मतलब बिल्कुल साथ में आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या दे रहा है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है जो कि मेरे हैं, ठीक है, और अगर वो तुम्हें दे दे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इज 2 ग्राम, उसका मतलब है वो तुम्हें गिवन वेट ही दे रहा है, ठीक है, मतलब नॉर्मली जो तुम्हें देगा वो गिवन वेट, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए कई बार तुम्हें क्या दे देता है, जब तुम्हें ग्राम और एटम या ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल साथ दिख जाए तो मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये उसका एक तरह से क्या होता है, झांसा देने का तुम्हारा तरीका होता है, मतलब तुम्हें कंफ्यूज करने का, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना, ये वाली और ये वाली, ठीक है, अगर नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स की बात कर रहा है तो वो मुझे नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स की जगह क्या लिख रहा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो अब देखो ये हमारा हो गया, हमने क्या किया, पार्टिकल से कर लिया और उससे भी कर लिया, अगली बात क्या आ रही है, अगली बात हमें क्या पढ़नी है, वॉल्यूम से करना है, ठीक है, अभी हमने पार्टिकल से भी कर लिया और उससे भी कर लिया, अब हमें किससे करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला बहुत ही आसान होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है, तुम्हें डीपीपीज मिलेगी ना, तो ये जो मैंने 2 पॉइंट बताया तो वहां पर तुम्हारे वो क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है, एक और बात आती है, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं जब हम, तो हम बात करते हैं एक एसजीबी में करते हैं और एक एनटीबी में करते हैं, ठीक है, एक एसजीबी कंडीशन होती है, ठीक है, और एक एनटीबी, क्योंकि तुम्हें पता है वॉल्यूम क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये बात ध्यान रखना, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, और हम जब वॉल्यूम की बात करते हैं वो बस गैसेस के लिए करते हैं, ठीक है, ठीक है, जो वॉल्यूम की बात करते हैं हम वो गैसेस के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो एसजीबी कंडीशन होती है, कंडीशन मतलब क्या कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए, ये बात होगी, ठीक है, तो एसजीबी कंडीशंस मेरी 2 कंडीशन थी, ठीक है, एक ओल्ड कन्वेंशन है, एक न्यू कन्वेंशन, एक ओल्ड एक न्यू, और एनटीबी तो 80 कंडीशन होती है, ठीक है, ओल्ड कन्वेंशन मेरा क्या कहती थी, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या था मेरा, मेरा 1
अगर मैं बोलूं वन एटीएम, ठीक है, वन एटीएम और जीरो डिग्री सेल्सियस, या मैं इसको 273 केल्विन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मेरा टेम्परेचर क्या होगा, 273 केल्विन या जीरो डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, या 180 ये मेरी क्या थी, ओल्ड कन्वेंशन थी एचसीपी कंडीशन, ठीक है। अब ये न्यू कन्वेंशन क्या हो गई है, 1 bar, ठीक है, और टेम्परेचर अभी भी वही है, 0 degree सेल्सियस या 273 केल्विन, एक ही बात होती है, ठीक है। मेरी न्यू कन्वेंशन क्या है, ये, ठीक है, 1 bar और 180 क्या है हमारे, एटीएम भी हमारा एक यूनिट है, ठीक है, और बार भी हमारा क्या होता है, एक यूनिट होता है किसका, अगर हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो मेरा 1 bar और 180 में क्या रिलेशन होता है, तो लिख लो 180 1.013 bar, ठीक है, ये रिलेशन होता है, मतलब मेरा 180 है जो वो बड़ा होता है बार से, ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन होता है उनके बीच में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दी एसटीपी पे एक ओल्ड कन्वेंशन थी, मतलब जो पुराने पहले मानते थे, एक न्यू कन्वेंशन, ठीक है। ओल्ड कन्वेंशन क्या कहती थी कि मेरा टेम्परेचर क्या होगा, 0 degree Celsius, या अगर केल्विन में कन्वर्ट करते तो वो 273 केल्विन होता है, ठीक है, वो तुम्हें पता ही है रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और न्यू कन्वेंशन क्या है, जो लेटेस्ट चल रही है, उसने क्या कर दिया, 180 को कन्वर्ट कर दिया 1 bar में, मतलब उसने क्या बोल दिया, एसटीपी कंडीशन क्या है मेरी, 1 bar और टेम्परेचर वही है, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, एसटीपी कंडीशन होती है, एसटीपी का मतलब क्या हो गया, एसटीपी का मतलब होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो अब लेटेस्ट हमारी ये चल रही है, ये पुरानी है, मतलब ये रूल आउट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन पुरानी बुक्स जो है, ठीक है, पुरानी बुक्स है या जो तुम क्वेश्चंस करोगे उसके अंदर, क्योंकि वो पुरानी है, पुराने की छपी हुई है, तो उसके अंदर ये वाले से भी आंसर दिए हुए होते हैं, ठीक है, तो आंसर दोनों से फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है। अगर मैं जनरली बात करूं, ओल्ड कन्वेंशन पे मेरी जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, अगर 1 mole गैस की मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, ठीक है, तो मेरी जो मोलर वॉल्यूम होती है उसको मैं वीएम से डिनोट करता हूं, वो मेरी 22.4 liter का, ठीक है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं एट एसजीपी, ठीक है, एसजीपी में मेरी वॉल्यूम जो होती है, मोलर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम होती है वो 22.4 होती है, ठीक है, वो कब, जब हम ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। न्यू के हिसाब से मेरी क्या आती है, जो मोलर वॉल्यूम होते हैं वो मेरी आते 22.7 liter, ठीक है। तो अगर कोई बोले तुम्हें कि बताओ एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जाओ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना है याद करो, 1 bar और 273 केल्विन, ठीक है। तो वहां पर अगर हम वॉल्यूम मेजर करते हैं वो क्या आता है, 22.7 liter, ठीक है। लेकिन पुराने बुक्स है तो उसके अंदर 22.4 liter से आंसर दे रखे हैं, लेकिन यकीन मानो तुम दोनों से आंसर निकाल लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, एक से क्या आएगा तुम्हारा 0.5 आ रहा होगा, एक से तुम्हारा 0.49 आ रहा होगा, और तुम्हें पता है 0.49 भी लगभग 0.5 ही होता है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, आंसर निकालने में, ठीक है। लेकिन आपको कंसेप्चुअली तुमसे सीधा पूछे भाई एसटीपी में कंडीशन बताओ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 1 bar 273 केल्विन और उस पे वॉल्यूम कितनी होती है, 1 mole गैस की 22.7 होती है, ठीक है। बुक्स के अंदर 22.4 कभी कभी दिखेगी, ज्यादातर दिखेगी क्योंकि पुरानी बुक्स थी, ठीक है, वो दोबारा से अभी रिवाइज तो हुई नहीं है, मतलब चेंजेस उसमें आए नहीं है, तो इससे कर देते हैं, लेकिन आंसर लगभग दोनों से बराबर आते हैं, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, क्वेश्चंस करोगे तुम्हें दिख जाएंगे, ठीक है। तो एनटीपी कंडीशन मेरी क्या होती है, एनटीपी मेरी कंडीशन होती है 20 degree Celsius या कई बार 25 भी होते हैं, ठीक है, वैसे वो मेंशन होती है, ठीक है, 20 भी हो सकता है 25 भी, ज्यादातर में 20 मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और हमारा प्रेशर कितना होता है, 180, ठीक है, ये मेरा प्रेशर इसमें फिक्स है, इसमें मेरा क्या, यहाँ पर मेरा 1 bar था, यहाँ मेरा 180 है, और टेम्परेचर मेरा इधर था 0 degree Celsius, इधर 25 degree Celsius या 20, ज्यादातर तुम्हें 20 मिलेगा, ठीक है, ये भी कई बार दिख जाता है। एनटीपी, एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये हम कब यूज करते हैं वॉल्यूम वाली चीज, जब हम गैसेस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला बताऊं, ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला निकालू वॉल्यूम के टर्म्स में, तो मेरा वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला क्या होगा, देखो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वीएम इज द वॉल्यूम ऑफ 1 mole, ठीक है। अगर मेरी वीएम है, वीएम क्या, मेरी मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 mole की वॉल्यूम, वो मेरी 1 mole की वॉल्यूम है, तो 1 liter जो होगी वो 1/vm की होगी, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, V liter इज द वॉल्यूम ऑफ, किसकी हो जाएगी, V/Vm, तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, गिवन वॉल्यूम
इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरा एन क्या बन जाता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अगर मैं एसजीपी की बात करता हूँ, एसजीपी, ठीक है, हम जनरली एसजीपी पे करते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, नाम में तुम्हें स्टैंडर्ड दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं एसजीपी की बात करता हूँ तो मेरी क्या होती है, वी बाय 22.7, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मोलर वॉल्यूम एट एसजीपी ये होती है। और मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि कई कई बार हमें 22.4 लीटर यूज करके निकालना पड़ता है, ठीक है। और एक और बात, शायद मैं तुम्हें एनटीपी पे वॉल्यूम नहीं बताऊं, मोलर वॉल्यूम, उसकी वैल्यू भी यही होती है 22.4 लीटर, ठीक है। मोलर वॉल्यूम एनटीपी पे ही होती है, एसटीपी पे मेरी एक्चुअल में तो होनी चाहिए 22.7 क्योंकि लेटेस्ट के हिसाब से, लेकिन पुरानी बुक्स है उसमें कई बार 22.2 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिससे तुम्हारा आंसर कन्वीनियंट आ रहा हो, ठीक है, मान लो यहाँ पर मेरा दे रखा 11.2, तो मैं तुम्हें नीचे 22.4 पुट कर सकता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि मेरा कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, वो तुम उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बाकी अगर तुम यहाँ पर 22.7 लेके भी करोगे, ठीक है, अगर तुम्हारा एग्जाम जब दोगे तुम एग्जाम, तो वहां पर 22.7 से ही करोगे क्योंकि वो क्वेश्चन बनाएंगे इसके हिसाब से, ठीक है। अभी तुम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें तुम्हें लगेगा कि आंसर मेरा 22.4 से आ रहा है, तो समझ लेना कि वो पुरानी बुक है, क्वेश्चन भी पुराने हैं, पुराने बने हुए हैं, तो इस वजह से 22.4 पुट करके आ रहा है, ठीक है। तो मेरा एक फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये तो ये मेरा क्या बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मेरा कब है, ये वाली चीज मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ, जब मैं एसजीपी पे बात करूँ, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल बात करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। एसजीपी पे बात करूंगा तो मेरा वो 22.4 हो जाएगा। बस अब हम सारा कंक्लूड कर लेते हैं और क्लास को खत्म करते हैं यहाँ, ठीक है। देखो मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये बीच का राजा है, ठीक है, राजा को प्रणाम करो सब, ये मेरा राजा है, प्रणाम, मोल का राजा ही, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मेरे दो फॉर्मूले का, एक तीन, एक तो हो गया मेरा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है, एक मेरा क्या हो गया गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन हो गया, और एक मेरा क्या हो गया गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मोलर वॉल्यूम जो होती है, हम अगर एसजीपी बात कर रहे हैं तो हम उसको 22.7 भी लिख सकते हैं, तो हम उसको जनरली मैं क्या लिखता हूँ, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो ये मेरा राजा है, ठीक है। अगर हम मुझे एग्जामिनर क्या बोल दे, ये गिवन है मुझे निकालने को ये दे रहा है, तो मेरा राजा, हमें क्या केमिस्ट्री का राजा है, राजा के पास जाना पड़ेगा, राजा कौन है हमारा, ये, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मेरा क्या है, जंक्शन, जंक्शन है, मतलब कि हर एक को वहां से होकर गुजरना ही पड़ेगा, मतलब जब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसका ये इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन निकालना है, तो पहले तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर मोल से फिर ये निकाल सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें गिवन होगा, ये तुम्हें पता ही है, तो तुम्हारा ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल गया, उसके बाद तुम्हें ये पता है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, ये हमारा राजा है केमिस्ट्री का, ठीक है, कैलकुलेशंस में, तो इसको प्रणाम करो, और हमें मान लो इसके बीच में ये गिवन है, ये निकालना, तो मुझे सबसे पहले भाई मोल के पास जाके इजाजत लेनी पड़ेगी, मतलब पहले मोल निकाल लूंगा, उसके बाद ये निकाल लूंगा, मतलब कुछ भी करना है, इससे यहां पर जाना है तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, मोल के थ्रू जाएंगे, इससे यहां जाना है डायरेक्ट नहीं जा सकते, मोल से जाएंगे, इससे यहां जाना है डायरेक्ट नहीं जा सकते, मोल के थ्रू ही जाएंगे, मतलब हमारा क्या हो गया, ये हमारा जंक्शन हो गया, जंक्शन वही होती है ना जहां से बहुत सारी ट्रेनें निकलती है, मतलब ये बात होगी कि हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हमारा मोल क्या है, एक जंक्शन है, जंक्शन से होके ही जाना पड़ेगा, हमारा कोई भी बात आ जाए तो तुम्हें सबसे पहले मोल निकालने पड़ेंगे हर चीज से, ठीक है, जनरली 99.9% मोल से ही जाना पड़ेगा, डायरेक्टली कई बार जाएंगे वो शॉर्टकट में आगे जाओ क्वेश्चन आएगा, एक आधा होता है वो, लेकिन जनरली हमें हर किसी को मोल से होके गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है, बात समझ आई, तो इस पर क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, ठीक है, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो तुम, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ो, अब तुम बड़े हो गए हो, 10th से 11th में हो गए हो, ठीक है, टाटा, मिलते हैं अगली क्लास में।